कई तरीके से एग्जाम दिया, कभी कभी रुक जाता था, कभी रिजल्ट आउट में भी फर्क पड़ता था, पर इस बार इतना क्विक एक्शन लिया गया है, सारा एग्जाम इतने जल्दी कंडक्ट किया गया, रिजल्ट इतने जल्दी आया, फिर हम लोग को ट्रेनिंग के लिए भी इतने अच्छी जगह भेजा गया है जहाँ पे हमें सारा कुछ फैसिलिटी मिला है। मतलब जी हम यूपी से हैं, यूपी फतेहपुर, और एक्सपेक्टेशन से भी ज्यादा अच्छा लगा। यहाँ के लोग बहुत वेलकमिंग हैं और ये हमारा फर्स्ट अटेम्प्ट था, पहले एग्जाम दिया जॉब का और पहली बार में क्लियर हो गया। बिहार सरकार को बहुत बहुत धन्यवाद। सीतामढ़ी में बीपीएससी से चयनित शिक्षकों को ट्रेनिंग दिया जा रहा है। सीतामढ़ी के डाइट भवन में हम इस वक्त मौजूद है और हमारे साथ जो बीपीएससी से चयनित शिक्षक है वो मौजूद है और उन्हें ट्रेनिंग दिया जा रहा है, उनसे हम सीधा बातचीत करेंगे। बीपीएससी से चयनित हुए हैं, पहली बार शिक्षक बने, कैसा महसूस हो रहा है? बहुत ही अच्छा लग रहा है क्योंकि हमने कई तरीके से एग्जाम दिया, कभी कभी रुक जाता था, कभी रिजल्ट आउट में भी फर्क पड़ता था, पर इस बार इतना क्विक एक्शन लिया गया है, सारा एग्जाम इतने जल्दी कंडक्ट किया गया, रिजल्ट इतने जल्दी आया, फिर हम लोग को ट्रेनिंग के लिए भी इतने अच्छी जगह भेजा गया है जहाँ पे हमें सारा कुछ फैसिलिटी मिला है। मतलब पेरेंट्स की भी जरूरत नहीं है, फर्स्ट टाइम हम लोग डर रहे थे कि हम लोग को वो छोड़ कर जाएंगे तो हम लोग कैसे रहेंगे। यहाँ की टीचर भी बहुत कोऑपरेटिव है, खाना से लेके रहने से लेके एवरीथिंग सब कुछ बहुत अच्छा है, टाइम टू टाइम फूड की भी फैसिलिटी है, क्लासेस भी 2 दिन में हमने बहुत कुछ सीखा, हमारा बहुत सारा क्लासेस हुआ 2 दिन। कल जस्ट हम लोग फर्स्ट क्लास आए थे, इंट्रोडक्शन इतनी अच्छी तरीके से हुआ, कल भी डिपार्टमेंट के बारे में बहुत अच्छा बताया गया, रूल रेगुलेशन से इंट्रोड्यूस कराया गया कि हमें कैसे रहना है एज अ टीचर, स्टूडेंट के साथ कैसे बिहेव करना है। और आज भी हमारा इतने बिजी शेड्यूल में भी सारे सर ने 2-2, 3-3 क्लासेस कराया जिससे हमें बहुत अच्छा लगा। अब मुझे लग रहा है कि हम भी इसी तरह अपने स्टूडेंट को शिक्षित कर पाएंगे, बहुत कैपेबिलिटी सही तरीके से फील हो रहा है। कहाँ घर हुआ आपका? मैं बिहार शरीफ नवादा जिला से हूँ। और सीतामढ़ी में कोई परेशानी तो नहीं है? फर्स्ट डे लग रहा था लेकिन जैसे इस कैंपस में इंटर लिया कोई प्रॉब्लम नहीं हुआ, हर एक सेक्शन में एक एक स्टाफ को रखा गया है जो हमारे प्रॉब्लम को सॉल्व कर रहे हैं, सब कुछ एक टाइम टू टाइम हो रहा है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। 2 दिन है, फर्स्ट डे बहुत डर लग रहा था लेकिन आज बहुत अच्छा लग रहा है, रहने से लेके खाने से लेके सब कुछ है। शादीशुदा को ज्यादा परेशानियों का सामना करना पड़ता है, आप बीपीएससी से ऐसे में चयनित हुए, कितना कठिन डगर था? सर डगर तो नहीं था क्योंकि हम सीटेट देने भी जाते थे, हमने बीपीएससी के लिए प्राइमरी के लिए ट्राई किया था, हमें वहाँ से रिजेक्शन सुप्रीम कोर्ट से मिल गया, हमें बहुत अपसेट फील हुआ था, लेकिन इस बार हमें टाइम ही नहीं मिला सोचने का, तब तक हम लोग 6-8 हमारे साथ बहुत अच्छा हो गया। घर के लोगों का कितना सहयोग मिला? घर से ही सपोर्ट हमें है, तब हम पढ़ के अभी यहाँ तक पहुँचे हैं, शादी के बाद ही मैंने बीएड किया, सब कुछ किया और घर से सपोर्ट है, बच्चों को रखा गया। कितना उत्साह है यहाँ प्रशिक्षण में शामिल हो रहे हैं? बहुत ज्यादा एक्साइटेड है हम लोग और अच्छा भी लग रहा है, इस मुकाम पर पहुंचे हैं और इसके लिए बहुत सारे हम सबको धन्यवाद देते हैं, फैमिली मेंबर, मेरे इन लॉज, हस्बैंड एंड जितने सारे सपोर्टिव फ्रेंड हैं सबको थैंक यू, ताकि हम लोग यहाँ तक, और हमारे जो टीचर लोग हैं यहाँ के वो भी बहुत सपोर्टिव है और पढ़ाई भी अच्छी तरीके से। क्या कहिएगा के पाठक के बारे में? उनके बारे में क्या कहें, वो सुपर बहुत अच्छे हैं और शिक्षा विभाग में बिल्कुल ध्यान दे रहे हैं ताकि आने वाले समय में बच्चों को किसी चीज की तकलीफ नहीं हो। ट्रेनिंग यहाँ हो रहा है, कैसा लग रहा है? जी हम यूपी से हैं, यूपी फतेहपुर, और एक्सपेक्टेशन से भी ज्यादा अच्छा लगा, यहाँ के लोग बहुत वेलकमिंग हैं और ये हमारा फर्स्ट अटेम्प्ट था, पहले एग्जाम दिया जॉब का और पहली बार में क्लियर हो गया, बिहार सरकार को बहुत बहुत धन्यवाद। क्या यूपी में आपने ट्राई नहीं किया था? क्या मौका ही नहीं मिला हमें ट्राई करने का यूपी सरकार की तरफ से। कहाँ से आए हैं? अयोध्या यूपी। अयोध्या में तो अभी राम मंदिर बन रहा है, 22 जनवरी को उद्घाटन भी होना है। जी 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 जी। कितना खुशी है और यहाँ प्रशिक्षण ले रहे हैं? सर यहाँ प्रशिक्षण ले रहे हैं, बहुत ज्यादा खुशी है, यूपी में भी राम का मंदिर का आयोजन हो रहा है, वहाँ भी बहुत ज्यादा मतलब तैयारी हो रही है, बहुत कुछ हो रहा है, लेकिन वहाँ हमने ट्राई किया था मगर एक दो बार मेरा नहीं हुआ, मतलब कुछ कमी रह गई थी, मगर बिहार में आके हमको नौकरी मिली, बिहार वाले बहुत ही अच्छे हैं, बहुत ही अच्छे बता नहीं सकते। सरकार को बहुत ही अच्छा, और यहाँ के सर लोग इतने अच्छे हैं बता नहीं सकते, प्रिंसिपल मैम एकदम मतलब लगता ही नहीं है कि प्रिंसिपल मैम बच्चे से कैसे बात करती है, सबसे फैमिली जैसा, फैमिली जैसा बिल्कुल एकदम, और यहाँ की व्यवस्था बहुत ही अच्छी है, खाने पीने रहने सब। क्या नाम हुआ आपका? अर्चना देवी। कहाँ से आप आए हैं? सिलीगुड़ी से, वेस्ट बंगाल। बंगाल से। कितनी यहाँ समस्या भी हुई है? कोई नहीं, कोई समस्या नहीं हुआ। अब तो बिहार सरकार में आपका चयन हो गया बीपीएससी के माध्यम से, कितना खुशी हो रहा है? बहुत खुशी हो रही है। सरकार के बारे में क्या कहिएगा? बहुत अच्छा। अबाउट गवर्नमेंट? वेरी गुड, द रिजल्ट वाज क्वाइट क्विक एंड वेरी गुड गवर्नमेंट।
इंटरेस्ट। क्या नाम है? अनुपमा राय। से जितना बढ़िया से बढ़िया व्यवस्था प्रोवाइड करने की बात है, हम लोग अच्छा से अच्छा व्यवस्था दिए हैं। और प्रशिक्षण में भी हम जितने व्याख्याता हैं, हमारे प्रिंसिपल व्याख्याता सभी लोग, हम लोग प्रत्येक एक का मॉड्यूल है, एससीईआरटी के द्वारा मॉड्यूल तैयार किया गया है, उस अकॉर्डिंग टू आवर मॉड्यूल्स हम सभी लोग मॉड्यूल के अनुसार प्रशिक्षण देते हैं। क्या नाम है सर? मेरा नाम डॉक्टर मनोज कुमार हुआ और यहाँ केमिस्ट्री के व्याख्याता है। तो यहाँ सीतामढ़ी के डाइट भवन में मौजूद है और जो बीपीएससी से चयनित शिक्षक है वो देश के अलग अलग राज्यों से यहाँ पहुंचे हैं और उन्होंने बिहार सरकार के प्रति धन्यवाद भी दिया है। साथ ही के पाठक पर भी उन्होंने बोला और कहा कि के पाठक को भी उन्होंने धन्यवाद जताया। साथ ही ये सभी चयनित शिक्षक आगे बिहार के भविष्य को संवारेंगे।